मानव कर्मिक विकास की कहानी। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया ये कहना मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। आज हम मानव विकास के कर्मिक विकास पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के एक लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर से वे मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थरों के औजारों और चित्रकलाओं की खोजों में मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। जब ऐसे खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने ऐसा माना कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के नहीं हैं। शुरुआती समय में वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थर के औजारों को बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास कर्मिक रूप में हुआ इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। जीवाश्मों की तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा तथा परतों से निर्धारित किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार उनका पता चल जाता है तो मानव के कर्मिक विकास का निर्धारण का पता करना कठिन नहीं रह जाता। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।